नमस्ते दोस्तों, छाया किचन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी निरामिष चॉप बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं किस तरह करके बनाती हूँ पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। तो ये मैं उबला हुआ आलू लिए हूँ, ये 4 आलू लिए हूँ। इसमें अब क्या क्या मसाला डालूंगी देखिए, जीरा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मेथी पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा धनिया पत्ता। सारे चीज़ों को मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तो देखिए आलू को मैं मसाले के साथ अच्छे से मैश कर ली हूँ। तो अब मैं दे देती हूँ भुना हुआ बादाम। अब अच्छे से मिला लेती हूँ। तो देखिए आलू के साथ बादाम को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो अब मैं चॉप का शेप दे देती हूँ। देखिए इस तरह करके गोल करना है और इस तरह करके चपटा कर देना है। एक थाली में रख लेती हूँ और इसी तरह करके बाकी को भी बना लेती हूँ। तो देखिए इतना सारा मैं चॉप का शेप दे दी हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये बाकी मैं बाद में बनाऊँगी। तो अब इसके लिए बैटर तैयार कर लेती हूँ। अब मैं बैटर तैयार करूँगी। तो एक बड़ा सा कटोरी ली हूँ। तो अब मैं दे देती हूँ एक कटोरी बेसन, दे देती हूँ थोड़ा सा मीठा सोडा। ये देने से चॉप एकदम गोल गोल होता है, फूलता भी है, थोड़ा देखने में सुंदर लगने के लिए थोड़ा सा दे देती हूँ हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी देकर बैटर को अच्छे से तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए बैटर तैयार हो गया है। मैं इसे 5 मिनट तक फेंटी हूँ। देखिए इस तरह करके बनाना है, इतना गाढ़ा होना चाहिए। तो अब मैं एक चॉप का सेब लेती हूँ। देखिए अब इस तरह करके बैटर में डुबाना है। तेल में पहले ही गर्म होने दे दी हूँ। तो मैं सरसों का तेल से छान रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी तेल से छान सकते हैं। सरसों के तेल से आलू चॉप छानने से ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अभी मैं 4 पीस दे रही हूँ। तो अब मैं उलट पुलट कर अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए उलट पुलट कर अच्छे से मैं फ्राई कर ली हूँ। सुनहरा कलर का हो गया है। तो अब मैं निकाल लेती हूँ। बाकी को भी इसी तरह करके फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों सारे चॉप को मैं छान ली हूँ। तो देखिए सारे निरामिष आलू चॉप बन के रेडी हो गया। तो देखिए कितना सुंदर बना है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो एक बार इस तरह करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए एक तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर भी कितना अच्छा बना है। तो देखिए इस शाम का टाइम नाश्ते में चाय के साथ खाइएगा। तो मेरा चॉप बनाने का तरीका आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ और ऐसी एक नई रेसिपी में।